प्रिय मित्रों नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस आदर प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि प्रत्येक प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली के बारे में, भाव के बारे में, राशि के बारे में, लग्न के बारे में, ग्रहों के बारे में ज्ञान प्राप्त करा। आप लोग इसी प्यार स्नेह से मेरे प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, मैं भी आपको कुंडली का पूरा ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको सुनिए। चंद्र बुध सूर्य ग्रह की युक्ति कुंडली के प्रत्येक भाव में कैसा खेलता है, खेल आपके साथ, उसको आपको देखिए। जिसके कुंडली में लग्न में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, मेहनती होते हैं, लक्की होते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में चंद्र बुध सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा अच्छा पाते हैं, समाज में व्यवहार सम्मान अच्छा पाते हैं और अपने नाम से, अपने मेहनत से, अपने व्यक्तित्व से पहचाने जाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में चंद्र बुध सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग निस्वार्थी होते हैं। ऐसे लोग माता पिता भाई बंधुओं के सेवक होते हैं। इनको परिवार से अच्छा प्यार मिलता है, अच्छा धन दौलत मिलता है। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में चंद्र बुध सूर्य की युक्ति है, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल होते हैं, अच्छी पद पाते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार प्राप्त करते हैं, समाज में अच्छी इनकी पैठ होती है। जिसके कुंडली में लग्न से पाँचवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, इच्छा अनुसार शिक्षा पाते हैं, कभी शिक्षा में असफल नहीं होते हैं, अपने शिक्षा अपने विद्वता के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से छठवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग चरित्रवान होते हैं, ऐसे लोग कोई नशा पानी नहीं करते। जिसके कुंडली में लग्न से सातवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, पारिवारिक जीवन से सुखी नहीं रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन इनका सुखी नहीं होता है, इच्छा अनुसार महिला हो या पुरुष हो शादी नहीं होता है, हमेशा विवादों में रहते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से आठवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग स्वास्थ्य के कारण, मानसिकता के कारण परेशान रहते हैं, आर्थिक परेशानी रहती है, मेहनत का सही लाभ नहीं मिलता। जिसके कुंडली में लग्न से नौवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, पूर्ण सफल होते हैं, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से दसवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, ऐसे लोग कभी कर्जे में नहीं आते हैं, कभी आर्थिक परेशानी नहीं आती। जिसके कुंडली में लग्न से ग्यारहवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति है, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, कम परिश्रम में अच्छी उन्नति करते हैं, सांसारिक सुख अच्छा पाते हैं, धन दौलत अच्छा पाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में चंद्र सूर्य बुध की युक्ति हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, दानी होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझसे संपर्क करिएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425
0800-111। इतना कहते हुए मैं अपने प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।